दोस्तों आज से हम पावर पॉइंट की एक नई सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आपको पावर पॉइंट थ्री के सभी ऑप्शंस के बारे में एक एक करके कवर करेंगे साथ ही आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से पावर पॉइंट की क्लिपबोर्ट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों अगर आप टेली प्राइम सीखने में इंटरेस्टेड हैं या फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको इन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आप बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक एक एक करके सभी ऑप्शन को यहाँ पर सीख सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है विंडो की के साथ आर और यहां पर आपको टाइप करना है पावर पी एन टी पावर पी एन टी टाइप करने के बाद जैसे आप यहां पर ओके okay बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने पावर पॉइंट का कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहां पर आप देख सकते हैं आपके सामने न्यू प्रेजेंटेशन का आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करना है जैसे आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा यहाँ पर राइट साइड में आप देख सकते हैं डिजाइनर के नाम से आपको काफी सारी थीम्स आपको दिखाई देंगी जिसमें से आप किसी भी थीम को सिलेक्ट करके उसको कस्टमाइज कर सकते हैं सबसे पहले मैं आपको पावर पॉइंट की इंटरफेस के बारे में समझाना चाहूंगा तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है इसे टाइटल बार कहा जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन वन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जब भी आप अपनी फाइल को कोई भी नाम दे करके सेव करेंगे तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन वन की जगह वही नाम आपको रिप्रेजेंट करेगा अभी हमने फाइल को यहाँ पर सेव नहीं किया है ना ही कोई इसका नाम दिया है तो यह डिफॉल्ट हमें प्रेजेंटेशन वन के नाम से दिखाई दे रहा है इसके बगल में आप देख सकते हैं सर्च का आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसपे आप क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर ऑटो सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसे अगर आप यहाँ पर ऑन रखेंगे तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो ऑटोमेटिक सेव होता चला जाएगा फिलहाल हमने इसे यहाँ पर ऑफ रखा हुआ है यहां पर आप देख सकते हैं सेव का आपको एक बटन दिखाई दे रहा है जिस पर आप क्लिक करके अपनी प्रेजेंटेशन को यहां पर सेव कर सकते हैं इसके बगल में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक अंडो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है मान लीजिए अगर आपसे यहाँ पर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप यहां से बैक जा सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपीट का आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है किसी काम को बार बार करने के लिए आप यहाँ पर रिपीट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहां पर आपकी प्रीव्यू का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यानी जो भी आपने प्रेजेंटेशन यहाँ पर बनाई है उसे प्रीव्यू फुल स्क्रीन पर देखने के लिए आप इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको फाइल का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जिसमें आप फाइल को ओपन कर सकते हैं सेव कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं या फिर और भी एडिंग यहाँ पर एड कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप इसका प्रिंट आउट लेना चाहें तो यहाँ पर आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं आप अगर इसे पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट की मदद मतलब से इसे कर सकते हैं क्लोज चाहें तो आप यहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन को क्लोज कर सकते हैं अकाउंट्स की सेटिंग्स आपको यहाँ पर दिखाई देगी इसके अलावा ऑप्शन की सेटिंग्स भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी तो इन सभी चीजों के बारे में एक एक करके हम बाद में जानेंगे इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो नीचे की तरफ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं होम इंसर्ट ड्रॉ का इन्हें टेप्स कहा जाता है और उसके नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्लिप बोर्ड का एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पर डिटेल बताने वाला हूँ इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ आप पर आपको क्लिक टू एड टाइटल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिस पर आप क्लिक करके अपनी प्रेजेंटेशन का जो भी टाइटल है उसे यहाँ पर टाइप कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक टू एड सब का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है अगर आपके पास कोई सब है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप यहाँ पर उसे टाइप कर सकते हैं इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है रिकॉर्ड का इस पर क्लिक करके आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं यानी अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इस बटन की मदद से इसे यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं दोस्तों इसके नीचे की तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर क्लिक टू एड नोट्स का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर स्लाइड्स के बारे में अगर कोई नोट्स लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट्स का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके आप इसे यहाँ से हाइड कर सकते हैं इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं स्लाइड वन ऑफ वन आपको दिखाई दे रहा है यानी जितनी भी अगर आप पर इंसर्ट करते हैं वो सभी नंबर ऑफ आपको पर दिखाई दे रही है नई स्लाइड लेने के लिए आपको अपने की से प्रेस करना होता है कंट्रोल कंट्रोल प्लस प्लस एम एम जैसे आप प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर एक और स्लाइड ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लाइड वन और स्लाइड टू आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है अगर हम यहाँ पर स्लाइड वन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वन ऑफ टू आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो टू ऑफ टू आपको यहाँ पर स्लाइड दिखाई दे रही है इसके अलावा अगर आप यहाँ पर स्लाइड को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपने की से केवल डिलीट की प्रेस करना है यहां से आपकी जो स्लाइड होगी वो यहाँ पर डिलीट हो जाएगी इसके बगल में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है अगर आप यहाँ पर कोई भी गलत स्पेलिंग लिखते हैं किसी भी वर्ड की तो ये ऑटोमेटिक उसको फाइंड कर लेता है इसके बगल में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी लैंग्वेज यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है जो की यहाँ पर इंग्लिश इंडिया है और इसके बगल में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक्सेसिबिलिटी दिखाई दे रहा है जो फिलहाल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है टू को अगर यहाँ पर इन्वेस्टिगेट लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब ये है कि आपके किसी स्लाइड में कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर हिडन है या छुपा हुआ है या किसी भी तरीके का कोई भी एरर आपके इस डॉक्यूमेंट में है इसके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे इसके बगल में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको अपने प्रेजेंटेशन के व्यूज आपको दिखाई दे रहे हैं अगर आप यहाँ पर सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं स्लाइड स्लॉटर की तो यहां पर आपके जितने भी स्लाइड्स होंगे वो स्लॉटर के व्यू में आपको यहाँ पर दिखाई देंगे और अगर आप यहां पर क्लिक करते हैं रीडिंग व्यू पे तो आप अपने प्रेजेंटेशन में जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उसे आसानी से यहां से रीड कर सकते हैं स्कैप दबाते ही ये वापस से हट जाएगा और इसे मोस्टली हम यहां पर यूज करेंगे नॉर्मल व्यू के अंदर इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं स्लाइड शो का आपको ऑप्शन यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर भी स्लाइड शो का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है जिसका इस्तेमाल किया जाता है प्रीव्यू करने के लिए इसके बगल में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने स्लाइड को जूम और जूमआउट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है जिससे आप अपनी प्रेजेंटेशन के स्लाइड को जूम या जूमआउट कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमने जो यहाँ पर जूम किया हुआ है वो सिक्सटी परसेंट यहाँ पर हमारा जूम लेवल यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है इसके बगल में आप यहाँ पर देख सकते हैं फिट स्लाइड टू करंट विंडो का एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है अगर आप अपनी स्लाइड को यहाँ पर छोटा या बड़ा कर देते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ये एक बार में हमारी विंडो के हिसाब से फिट हो जाए तो यहाँ पर इस वाले बटन की मदद से इस पर क्लिक करके इसे एक बार में फिट कर सकते हैं दोस्तों ये हमारे पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन था अब हम बात करते हैं क्लिप ऑप्शन के बारे में दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कट का आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है जिसकी शॉर्टकट की यहां पर आप देख सकते हैं कंट्रोल प्लस एक्स है इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर कोई भी टाइटल टाइप करते हैं जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं एक्सल इन्फोटेक अगर हम इनमें से किसी भी एक वर्ड को यहां से कट करना चाहते हैं जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर इन्फोटेक को यहां से कट करना चाहते हैं तो हमने यहां से इन्फोटेक को सिलेक्ट किया और यहां से कट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया जैसे हम यहाँ पर कट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं मैटर हमारा यहां से हट चुका है और जहां पर भी हम इसे पेस्ट करना चाहते हैं वहां पर हम क्लिक करके पेस्ट वाले बटन की मदद से इसे यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं हमारा जो मैटर है

उसके बाद पेस्ट वाले बटन पर क्लिक करना होगा जैसे ही मैं यहाँ पर पेस्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सेल यहाँ पर हमारा पेस्ट हो चुका है इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉपी के अंदर ही आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखाई देता है डुप्लीकेट का इसका इस्तेमाल किया जाता है जैसे मान लीजिए हमने इस डायलॉग बॉक्स को अगर डुप्लीकेट करना है हम चाहते हैं कि ये जो डायलॉग बॉक्स हमारे सामने दिखाई दे रहा है एक्सेल वाला इसी की हम एक और डुप्लीकेट कॉपी करना चाहते हैं तो आपको केवल इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डुप्लीकेट का एक ऑप्शन दिखाई देगा इसकी शॉर्टकट की आप यहाँ पर देख सकते हैं कंट्रोल प्लस डी है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका डुप्लीकेट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप इसका इस्तेमाल कहीं पर भी कर सकते हैं इसे कहीं पर भी ले जाकर के रख सकते हैं तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं पेस्ट के अंदर आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देता है पेस्ट का जैसे मान लीजिए हम यहां से किसी भी मैटर को कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं कॉपी करने के बाद अगर हम यहां पर आकर के इसे पेस्ट करते हैं सिंपली तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो मैटर है वो यहाँ पर पेस्ट हो गया है इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं जो दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देता है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का उसमें ये फर्क होता है कि जिस फॉर्मेट को हमने यहाँ पर कॉपी किया है उसका जो भी स्टाइल या जो भी फॉन्ट का साइज है सेम एज इट इज उसी फॉन्ट के साइज को यहाँ पर ये यह पेस्ट करेगा इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दिखाई देता है पिक्चर्स का अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका ये जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर पिक्चर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है और इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं डिजाइनर्स के नाम से आपको यहां पर काफी सारी थिम्स आपको यहां पर दिखाई दी जाएंगी जिस पर क्लिक करके आप इसे यहां पर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं यानी मॉडिफाई कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल अपने प्रेजेंटेशन के लिए यहां पर कर सकते हैं तो दोस्तों इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं हमें फोर्थ ऑप्शन दिखाई देता है कीप टेक्स्ट ओनली का इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कोई भी एक ईमेल आईडी या फिर कोई भी लिंक यहां पर टाइप कर लेते हैं जैसे हम यहाँ पर टाइप करते हैं एक्सल एट द रेट जीमेल डॉट कॉम और जैसे तो जनरेट हो चुका है अगर हम यहाँ पर सिंपली इसे कंट्रोल सी की मदद से कॉपी करते हैं और इसे कहीं पर भी ले जाकर के पेस्ट करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं हमारा लिंक भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है और लिंक भी हमारा यहाँ पर पेस्ट हो चुका है हम ये चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है केवल यही यहाँ पर पेस्ट होना चाहिए यहाँ पर लिंक की हमें जरूरत नहीं है तो हम यहाँ पर इसे वापस से एक बार कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और यहां पर इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं कि टेक्स्ट ऑनली का इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं इसने लिंक को यहां से रिमूव कर दिया है और इसने केवल टेक्स्ट को यहां पर पेस्ट किया है तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं इन चारों ऑप्शन का इस्तेमाल यहां पर किस तरीके से किया जाता है इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं आपको यहां पर दिखाई देता है फॉर्मेट पेंटर के नाम से आपको एक ऑप्शन जिसकी मदद से आप अपने फॉर्मेटिंग को यहां पर एज इट इज कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ इंसर्ट किया है जिसमें हमने पर पर कलर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल किया है हम ये चाहते हैं कि जो हमने यहाँ पर लिया है यही सेम हम अपने अगले वाले पैराग्राफ पर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें यहाँ पर इन सभी फॉन्ट के साइज को या फिर इस फॉन्ट को ढूंढने की जरूरत नहीं है हम केवल इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे यानी इस पैराग्राफ पर एक बार क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है फॉर्मेट पेंटर इस पर जैसे एक बार क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते है। हैं फॉर्मेट पेंटर पर हो चुका है और हमारे कर्जर के ऊपर पर यहाँ पर ब्रश आपको दिखाई दे रहा है इसके बाद हम अपनी अगली स्लाइड पर जाकर के जैसे इस वाले पैराग्राफ को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे या जितनी भी लाइन को यहाँ पर हम इसे सेलेक्ट करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं उसने उसे बिल्कुल उसके जैसा बना दिया जैसा हमने यहाँ पर स्टाइल लिया था अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार इस्तेमाल करने के बाद हमारा ये ब्रश यहाँ से हट जाता है अगर हम इसे कई जगह पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर इस ब्रश पर डबल क्लिक करना होगा डबल क्लिक करते ही पर आप देख सकते हैं हमारे ब्रश वापस से आ गया और ये लॉक हो चुका है जिस जिस वर्ड को आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे वो वो वर्ड आपका यहाँ पर पिछले वाले पैराग्राफ की तरह बनता चला जाएगा तो दोस्तों इस तरीके से आप फॉर्मेट पेंटर का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं इसे हटाने के लिए आपको केवल यहाँ पर जाकर के एक बार क्लिक करना होगा तो फॉर्मेट पेंटर यहाँ से हट जाएगा इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखाई देता है क्लिप का क्लिप पर जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर हम जितने भी ऑप्शंस को यहाँ पर कॉपी करते हैं उन सभी की हिस्ट्री यहाँ पर सेव होती रहती है जैसे मान लीजिए हम यहां से किसी भी एक वर्ड को या किसी भी पैराग्राफ को यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं तो कॉपी करते ही आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर वो वर्ड कलेक्ट हो चुका है और इसके बाद इसका इस्तेमाल आप कहीं पर भी कर सकते हैं इसके अलावा इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है वो भी हम आपको बता देते हैं जैसे मान लीजिए हम इंटरनेट पर किसी भी चीज को यहाँ पर ब्राउज कर रहे हैं और ब्राउज करने के बाद हम यहाँ से किसी भी एक पैराग्राफ को कॉपी करते हैं कंट्रोल सी की मदद से यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा आइटम कलेक्टेड हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका आइटम यहाँ पर आपको दिखाई देगा यानी जो भी हमने यहाँ पर मैटर को कॉपी किया है उसकी हिस्ट्री हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगी यानी हम कह सकते हैं कि पूरे सिस्टम में से हम कहीं पर भी कॉपी का इस्तेमाल अगर करते हैं तो यहाँ पर उसका जो आइटम होगा वो ऑटोमेटिक कलेक्ट हो जाएगा बार बार आपको यहाँ पर पावर पॉइंट पर आने की जरूरत नहीं है आप एक साथ यहाँ पर काफी सारे आइटम्स को कंट्रोल सी की मदद से कॉपी कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर काफी सारे आइटम्स को कॉपी कर रहा हूँ कंट्रोल सी की मदद से आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइव आइटम्स हमने यहाँ पर कलेक्ट कर लिया है टोटल इसकी जो कैपेसिटी होती है वो ट्वेंटी हिस्ट्री की कैपेसिटी होती है यानी चौबीस हिस्ट्री को आप यहाँ पर कॉपी करके रख सकते हैं और फिर आप अपने डॉक्यूमेंट पे आने के बाद उसे एक एक करके यहाँ पर आसानी से पेस्ट का इस्तेमाल करके इसे पेस्ट कर सकते हैं यानी आपको बार बार इंटरनेट पर या बार बार किसी जगह पर कंट्रोल सी करके यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर ला करके पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप एक बार में ही यहाँ पर काफी सारे मैटर को कॉपी 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 कर सकते हैं और उसके बाद पावर पॉइंट में आकर आप इसे पेस्ट 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 का इस्तेमाल

क्लिप ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा धन्यवाद